तो हमारे शहर काशी वासियों का आए दिन इन ट्रैफिकों से काफ़ी ज़्यादा रूबरू होना पड़ता है, खासकर शाम के टाइम जब स्कूल कॉलेज का जब सब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। ये है शहर के जाम, फाइनली आप इस तरीके का हाल देख रहे हो। आए खड़ी हो जाती है, इस वजह से जाम थोड़ा सा और ज़्यादा लगने लगता है यहाँ पर। दोस्तों वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज एक और ब्लॉग बनाने के लिए जो मैं निकला हूँ शाम के टाइम, आज कुछ शहर का नज़ारा ये है। शाम का टाइम हो रहा है, 7-6 बजने वाले हैं और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला बहुत ही अलग चीज़ जो आए दिन बनारस शहरवासी जूझते रहते इस चीज़ को लेकर, वो है ट्रैफिक। बनारस की जो मेन जगह है वहाँ ले जाके देखता हूँ शाम के टाइम और दिखाता हूँ कितने ब्रिज बनने के बावजूद क्या समस्याएँ हैं और कितना प्रॉब्लम है। ये है मड़वाड़ी चौराहा, रेड सिग्नल, उसके बावजूद ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो बाइक वाले साथी हैं वो भी इतना किनारे आ गए हैं कि हम लोग को पैदल जाने में तक प्रॉब्लम हो रहा है। ये है कुछ सीन, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे जाना पड़ रहा है। ये मेरे स्टेप और दुकानों से होते हुए किसी दूसरे के एरिया से होते हुए जा रहा हूँ, अभी तक ये हाल है। तो सावन के समय में अच्छा खासा बारिश होना चाहिए था, बारिश हो नहीं रहा है और काफ़ी काशी वासी परेशान भी हैं। यह है चौराहे का सीन, पलीभरों में पलीभर मतलब अच्छा खासा भीड़ लग जाता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी यहाँ, पुलिस वाले भी काफ़ी इसको परेशानी होते हैं। शहर में लगातार ब्रिज का निर्माण होते जा रहा है, आए दिन अभी निर्माण पे निर्माण चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले लहरतारा वाला जो ओवर फ्लाई ओवर था वो भी तैयार हुआ है। तो शहर में लगभग 10 से 15 समय ओवर ब्रिज हो गए, उसके बावजूद काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है। रोज का था तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज के दिन देखिए, जैसे महिला परेशान हो गई नारे लगाने की वजह से। बस सामने आपको देखने को मिलेगा, ये है मड़वाड़ी क्रॉसिंग होता हुआ एक फ्लाईओवर सामने जा रहा है। हालांकि शाम होते होते ये तक कभी कभार पूरी तरीके से भर जाता है। तो हमारे शहर काशी वासियों का आए दिन इन ट्रैफिकों से काफ़ी ज़्यादा रूबरू होना पड़ता है, खासकर शाम के टाइम जब स्कूल कॉलेज का जब समय होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस से और स्कूल से जब छूटने का टाइम आता है तो उस समय इतनी सारी गाड़ियाँ होती है कि पूछिए मत। जैसे जैसे हमारे ट्रैफिक का एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ जो गाड़ियाँ फोर व्हीलर या टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो कमर्शियल के लिए यूज होती है उनका सही तरीके से ना खड़ा होना देखा तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सड़क की टोटल चौड़ाई एक साइड एक लेन की ये है। अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको देखिएगा ज़रा, तो ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर ये सभी की सभी रोड पर खड़ी है, जो भी सवारियां वगैरह उतरती हैं। अब इन्हीं को देखिए, तो इसके वजह से ये जाम का माहौल हो जाता है, इसको मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सड़कों पे ये जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हो जाती हैं, इस वजह से जाम थोड़ा सा और ज़्यादा लगने लगता है यहाँ पर। अपना बनारस है एक टूरिस्ट एरिया जहाँ पर देश विदेश से हज़ारों लाखों सैलानी पर डे आते हैं, शहर में भीड़ लगना एकदम लाजमी है। इन्हीं चीज़ की बात कर रहा था, देखिए कि अब ये पूरी लाइन बाई लाइन पूरा ये रोड छोड़ के राइट साइड में पूरी तरीके से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आए दिन सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगने लगता है, क्योंकि ये सीधा रास्ता घाटों की तरफ चला जाता है, मेन शहरों की तरफ चला जाता है। बनारस की इसी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए जो आए दिन ये समस्याएँ होता है उसको देखते हुए भारत का क्या एशिया का पहला अर्बन रोडवे भी शुरू हुआ है, वो भारत में समझ लीजिए बहुत मायने रखता है। तो पहला शहरी रोपवे होगा जो करीब 3.5 किलोमीटर करीब 4 किलोमीटर तक जाएगा। तो इसी भीड़ को देखते हुए ऐसा था कि कम से कम शहरवासियों को इस शहर से निजात भी मिले और टूरिस्ट अट्रैक्शन का जो प्लेस है उसको और भी बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। बनारस में जो रोपवे बन रहा है उसका अगर थोड़ा बहुत भी डिटेल आप लोग लेना चाहें तो उस पर एक
मैंने ब्लॉग बनाया है ऑलरेडी, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अभी तो हम लोग बहुत ही उस जगह जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा बरौलिया चौराहा फर्स्ट एंड सेकेंड। एरिया में हम लोग अभी टहल रहे हैं, वो बनारस में सबसे ज़्यादा वॉकिंग के लिए, टहलने घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए सबसे ज़्यादा ये रास्ता है। अक्सर यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलती है नहीं, केवल आपको सिंगल या टू व्हीलर ही दिखेंगे लोग, सिंगल मतलब वॉकिंग करने वाले लोग, या तो फिर टू व्हीलर साइकिल हो गया, बाइक स्कूटी यही सब। आप बस आवाज़ें सुनिए, इतनी ज़्यादा शोर है ना कि पूछिए मत, हर है एकदम। तो हो रहा है, लग रहा है कि बारिश होगा, बादल अच्छा खासा छाया हुआ है। समस्या ये है कि कई दिनों से बारिश हुई नहीं और सावन करीब करीब ख़त्म होने जा रहा है। तो गदौलिया की जिन रास्तों से मैं अभी गुजर रहा हूँ, यहाँ के मेन कपड़ा मार्केट एक प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही चीपेस्ट रेट में मिल जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है। एक प्रकार से जूते चप्पल सैंडल्स वगैरह, खाने पीने की चीज़ें और बेल्ट, तमाम जितने भी एसेसरीज हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, तमाम चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मिल जाती हैं। पूरी दुकानें वही, इसी वजह से हम भीड़ कुछ ज़्यादा ही लग रहता है। ज़बरदस्त ये सीन है, बेनिया बाग आप वाराणसी का ये सीन देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आए दिन यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, जबकि डेवलपमेंट के आधार पे जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, तमाम चीज़ें, बड़ी रोडें भी बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण भी हो रहा है, उसके बावजूद धीरे धीरे शाम ढलने को है, अंधेरा भी हो रहा है। चौराहे पे लगा हुआ ये लाइट जो भी से कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खूबसूरत है, देखा सी। जगह यहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये है शहर के जाम, फाइनली आप इस तरीके का हाल देख रहे हो, आए दिन क्या, रोज का रोज यही हाल होता है, एक लंबा ट्रैफिक जाम इस समय। धीरे धीरे मैं अभी चल रहा हूँ, अभी हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं वो है मैदागिन चौराहा, तो बहुत ज़्यादा रश है इस समय। तो भीड़ जहाँ देखो वहाँ ये हो जाता है कि 1 किलोमीटर पहुँचने में भी 10-10, 15-15, 20-30 मिनट लग जाता है। तो टहलते घूमते कैंट और आप लोग घर चलने का टाइम भी हो रहा है, तो जो भी ब्लॉग बनाए आप लोग देखेंगे क्या सीन रहता है शहर का। हालांकि दिखाने का अगर हो तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाना पड़ जाएगा, क्योंकि तो बहुत सारी ऐसी जगह है, फिर भी जो जो मेन जगह जहाँ आज केवल काम था वहाँ मैं उस रास्ते से होते हुए गया, और क्यों वही दिखा पहुँचते ही रोडों का कुछ ये हाल हो जाता है ट्रैफिक का। अब आपको जितनी भी गाड़ियां हैं ये चलते कम खड़ी हुई ज़्यादा नजर आएगी, और हम लोग देखिए ये ब्रिज है एकदम पास में है, और ये मेन रास्ता है जाने का, और पूरा का पूरा ये रास्ता
खड़ा हुआ है वाहनों से, जो चलना चाहिए तो चलने की वजह एकदम खड़ा है स्ट्रीट रोड, मतलब बीचों बीच सेंट्रल पे। तो ये हाल है यहाँ का। वासियों के लिए रोज़ का ऐसा दिन चैलेंजिंग होता ही है, इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़रूरतें, काम, स्कूल, कॉलेज जरूर पूरा होता है। तो हमारे ये आज का ब्लॉग जो था छोटा सा, वो यहीं पर ख़त्म होता है। लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वैसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर।